नमस्कार फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही बड़ी अपडेट देंगे बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। एनएम की होगी नई नियुक्ति। बिल्कुल सही बात है, एनएम की नियुक्ति होने वाली है। एनएम की नई रिक्वायरमेंट आ गई है। खुशखबरी है फ्रेंड यहां पर, क्योंकि एनएम की नई वैकेंसीज आने वाली है। चलिए, ऑनलाइन कब से होगा, कब आवेदन आएंगे सामने, फुल डिटेल्स जानकारी देते हैं, तो वीडियो पर बने रहे। फ्रेंड बता दूँ कि अगर आप लोग आज का पेपर देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन देखने को सामने मिल जाएगा। अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पर कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो हम डाल देते हैं। ये नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम ग्रुप से देख सकते हो या आज का पेपर देख सकते हो। फ्रेंड देखोगे तो अस्थाई डॉक्टर के आधे और नर्स के 35% पद अभी भी खाली है बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत। चलिए आपको इम्पोर्टेंट डाटा दिखाते हैं। राज्य के सरकारी अस्पताल में नए चिकित्सकों की नियुक्ति के बाद भी नियमित चिकित्सक के आधे पद खाली रह गए हैं। डॉक्टर के जो टोटल पद हैं उनमें से सिर्फ आधा पद अभी भी खाली है। और ग्रेड ए नर्स की बात कीजिएगा तो स्वीकृत पदों के 36% पद खाली हैं। वहीं एएनएम के पद बात करेंगे तो एएनएम के स्वीकृत पदों के 40% पद रिक्त पड़े हुए हैं अभी भी। ये रिपोर्ट बिहार विधानमंडल में सरकार द्वारा पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के बीच खुलासा किया गया कि अभी भी एएनएम के 40% पद यहां पर खाली है। एक डाटा हम आपको दिखाते हैं, इससे आपको और क्लियर होगा। बता दूं फ्रेंड कि अस्थाई एएनएम के 29,700 कुछ होता, यहाँ पर टाइपिंग गड़बड़ हो गया है, 29,700 पदों पर स्वीकृत है, जिनकी तुलना में सिर्फ और सिर्फ 17,655 एएनएम कार्य कर रही है। यानी कि अभी भी यहाँ पर बात किया जाए तो 11,000 पदों रिक्त पड़े हुए हैं। अब इन पदों पर न्यू वैकेंसीज आने वाली है, क्योंकि फ्रेंड इतनी बड़ी पद अगर विधानमंडल में सरकार द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार है तो भरना पड़ेगा। अब ये न्यू रिक्वायरमेंट कब तक आती है बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत, ये हम लोग को वेट करना पड़ेगा। जैसे ही आएगा अपडेट जरूर देंगे, लेकिन 2021-22 का रिपोर्ट है तो जरूर से जरूर आप लोग को 2022 में ही एएनएम की न्यू वैकेंसीज देखने को मिलेगी। उसमें भी आप लोग समझ लीजिए, अगर न्यू रिक्वायरमेंट आता है तो आप लोग के पास कम से कम 2000 प्लस यहां पर न्यू वैकेंसीज दिखने को मिलेगा। जैसे ही न्यू रिक्वायरमेंट आएगा जरूर अपडेट देंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगला वीडियो में नया नोटिफिकेशन को लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू।